हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको आम का अचार बनाना बताएंगे। उस आम को हमने छिलवा अचार बनाएंगे। इसे हम पहले आम को धोकर इसे पोंछ लिया है और इसे हम छील के छोटे छोटे पीस हमने काट लिया है और इसके बाद हम इसे एक दिन इसे धूप में हम डालेंगे। जब पूरा सूख जाएगा तब उसके बाद हम इसको छौंकवा अचार बनाना आपको हम बताएंगे। अचार में डालने के लिए हमने 2 चम्मच धनिया ले लिया है, मंगरैल ले लिया है, सौंफ, जवाइन, मेथी और जीरा। कढ़ाई गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। उसके बाद कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम धनिया को भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मेथी डाल देंगे और जीरा। उसके बाद हम इसमें सौंफ और जवाइन। और गैस को हम बंद कर देंगे। अब इस मसाला हमारा भुना गया, इसे हम निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे मिक्सर में हम पीस लेंगे। इसे अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। जिसमें हम कढ़ाई में मसाला भूजे हैं उसी कढ़ाई में अब हम तेल डाल देते हैं। 1/2 लीटर के अंदाज में तेल डालेंगे। तेल गरम हो जा रहा है, इसमें अब हम हल्दी और नमक डालेंगे। अब इस तेल में हम हल्दी और नमक को पूरा घोल लेंगे। उसके बाद इसमें हम लाल मिर्च और कुटा हुआ मिर्च डालेंगे। इसे भी हम मिला लेंगे। ज्यादा गरम तेल में इसे हम नहीं मिलाएंगे, मीडियम गरम तेल रखेंगे इसको। उसके बाद हमने इस आम को छील के एक दिन पूरा सुखा लिया है। देखिए पूरा ही सूख के और गल भी गया है। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। ये हो गया हमारा छमकुआ अचार। अब इसमें हम मंगरैल डाल देंगे। ज्यादा खौलते तेल में इसको नहीं डालना है ना बनाना है। उसके बाद हम जो दरदरा मसाला कूटे हैं उसको हम डाल देते हैं। अब इसे हम पूरा मिला लेंगे। अब ये अचार आपको तुरंत खाने वाला अचार यह बन जाएगा। और इसे कितनों ही दिन तक आप रखिएगा, ना कभी खराब होगा और ना कभी इसमें कुछ तरीका का कोई बुआ हुआ कुछ भी नहीं लगेगा। ये अचार आपका एकदम फर्स्ट क्लास बनता है। जो हम लोग धूप में सुखा कर नमक हल्दी वाला बनाते हैं उससे अच्छा ये अचार छमकवा बनता है। अब इसे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा हो जाएगा तो इसे हम जार में रखेंगे। तो बताइए कि ये तरीका मेरा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर हम मिलेंगे एक दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।